अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। तूने शेर को सिर्फ टीवी में, फिल्मों में, सर्कस में देखा है, कभी किसी शेर को जंगल में चलते हुए नहीं देखा, शिकार करते हुए नहीं देखा। शेर जब एक पंजा मारता है ना तो सामने वाला ढेर हो जाता है। तूने पुलिस की टोपी में तीन शेर देखे होंगे, मेरे में चाहता है यहां इसको जो जगाएगा हमेशा के लिए सो जाएगा। माजी से ढक ली है। एक तक आगे बाहर आ रहे थे और मोबाइल से बात और कर रहे थे। आली रे आली, आता तुझे बारी आली। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे। रक्षक है राजस्थान पुलिस, जन जन का विश्वास है राजस्थान पुलिस। इसकी प्रतिबद्धता सेवा, प्रतिबद्धता सेवा, प्रतिबद्धता सेवा, प्रतिबद्धता। We'll be right back.
नमस्कार दोस्तों, ये दृश्य देख रहे हो आप विकासित स्कूल के पास का। हमारे सिंगम साहब गली गली किशनगढ़ रेनवाल की गली गली में जाएंगे। विद्यालय के पास में जो भी बिगर काम आए हैं उनको रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा है, क्या काम के लिए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, ये एक और दुकान चीज पुलिस प्रशासन नगर पालिका द्वारा। नमस्कार दोस्तों, ये दृश्य दिखा रहा हूँ आपको बचार मोड़ किशनगढ़ रेनवाल का। और लाइक कर दो फटाफट वीडियो को हमारे संगम साहब के लिए। दोस्तों, ये दृश्य देख रहे हो आप पुरानी तहसील नगर पालिका के पास में। नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी गलियां मैंने पहली कभी नहीं देखी। उन गलियों में भी पुलिस आ रही है, तो आप सजग रहिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं
और हम चाहेंगे कि जन अनुशासन पखवाड़े की व्यवस्थाएं किस प्रकार से आप कर रहे हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के पालना में हम जनता को जागरूक करके और पूर्णतया पालना करवा रहे हैं। जनता भी जागरूक हो रही है और फिर भी अगर कोई बाहर आ रहे हैं उनको चालान काटे जा रहे हैं, गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइन की पूरी पालना करवाई जा रही है। उसके लिए हम हर रोज़ कम से कम 10 किलोमीटर का फ्लैग मार्च प्रतिदिन करते हैं, गाँव में प्रत्येक गाँव गाँव जाके करते हैं। मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी एक अभियान चला रखा हमने, उसमें हर ग्राम की कमेटी बनाते हैं, कमेटी को जिम्मेदारी देते हैं कि अपने गांव की अपने स्वयं की जिम्मेदारी हो। वो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनसे जो लोग नहीं मानते उनको ये पाबंद किया हुआ है कि वो फिर हमें बताएं, हम उनके कानून की पालना करवाएंगे। सर हम देख रहे हैं यहाँ पर स्वयंसेवी संगठन भी अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, भाई कई भमाशा भी इस चीज़ में सहयोग कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और जनता से आप क्या कहना चाहेंगे। हम जनता से यही कहेंगे कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और ये कोरोना की जो कड़ी है उसको तोड़ने में प्रशासन का सहयोग करें। और जो ये भामाशा हैं, भामाशाओं से भी मैं यही कहना चाहूँगी इस संकट की घड़ी में ये लोग आगे बढ़ कर जो सेवा कर रहे हैं तो ये बहुत उदार और बहुत खुशकिस्मत है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही वो लगातार अपने ये कार्य करते रहें ताकि हम जैसे कोरोना की ड्यूटियाँ करें उनके भी हौसले बुलंद रहे। कोई जो अपने घरों में है, गरीब आदमी है, वो भूखे नहीं रहे, वो भी सुरक्षित रहें और हम भी अपनी सुरक्षा से करते रहें। सर आज राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन छोटवाड़ा इकाई के सदस्य भी यहाँ पर हैं, साथ साथ नरेंद्र कुमावत जी जो कि चिरायू हॉस्पिटल में भी कार्यरत हैं उनकी तरफ से भी आज N95 फेस मास्क, सैनिटाइजर, ये सब चीज़ें भी जनता और सभी को, क्योंकि कोरोना वॉरियर हमारे तमाम पुलिस वालों के लिए हैं जिनके लिए मैं खुद भी सल्यूट करता हूँ, जो इस कड़ी धूप के अंदर भी जनता के साथ में कोरोना महामारी में भी साथ साथ खड़े हैं। आज हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह जी से भी जो कि यहाँ पर कोई बहुत पदस्थ हैं, साथ साथ उनसे भी बात करें क्योंकि SHO साहब के साथ में उनका भी पूरा रोल है। SHO साहब के साथ रह के उनके निर्देशानुसार रोज फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, जो भी बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंस के वगैरह जो मिलते हैं उनके चालान काट रहे हैं और पूरी लगन से कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद नरेंद्र जी। हमारे साथ में नरेंद्र कुमावत जी जो कि चिराई हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी हैं, साथ साथ उन्होंने आज बिस्लरी के बोटल्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, फेस मास्क भी रखे हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमावत है, मैं चिराई हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। जो कोरोना महामारी चल रही है इसको देखते हुए आज हम कृष्णगढ़ नेटवर नगर पालिका में आए हुए हैं, ये मेरा गाँव भी है यहाँ पे। तो जो पुलिस वाले जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों को डांट रहे हैं, धमका रहे हैं, चालान काट रहे हैं, दुकानों पर सीज कर रहे हैं, ये अपनी धूप में मेहनत कर रहे हैं, तो आज हम यहाँ पे उनके लिए N95 मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतलें लेके आए हैं। भाई इनका अपन सहयोग करेंगे और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी को ख़त्म करें। हम बात करते हैं किशनगढ़ रेंडवाल के SHO साहब कैलाश चंद जी से, कोरोना के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। कोरोना के लिए तो हम यही आवाम से यही निवेदन करना चाहेंगे कि वो अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे और इस कड़ी को तोड़े। इसके अलावा जो आज ये भामाशा हमारे बॉर्डर से सीकर जिले से क्रॉस करके और इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं इनके। और हम रेनवाल के व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अशोक जसवा अपने रेनवाल कस्बे के बाद, इनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ये भी भामाशाओं को जागरूक करें और ये जो मिशन चला रखा है आपने उसी तरह से आप भी ये मिशन चलाएं और लोगों को उत्साह और जोश दिलाएं ताकि एक गरीब आदमी घर बैठा है जो भूखा नहीं सोए और ये महसूस नहीं करे कि मैं ऐसा आई हूँ,
वो ये महसूस करे कि मैं कड़ी तोड़ने के लिए घर बैठा हूँ, ना कि मैं बिल्कुल असहाय हो गया हूँ। इसलिए इन भामाशाहों से निवेदन करेंगे कि ये भी आगे बढ़े और कुछ करें। ये बात सच है, जिस प्रकार एसोसिएशन साहब ने कहा कि भूखा न सोए। हम बात करते हैं रेनवाल व्यापार मंडल के अध्यक्ष साहब से। सर, आपका शुभ नाम बताएं और मुझे बताएं कि यहाँ किस प्रकार से आप मार्केट को क्लोज करवा रहे हैं या व्यापारियों के लिए क्या सुविधा दे रहे हैं। अशोक अशावा मेरा नाम है। यहाँ जो भी प्रशासन की व्यवस्था होती है उसमें पूरी तरह से पूर्णतया सहयोग व्यापार सभी व्यापारियों का रहता है। ये यहाँ का प्रशासन अच्छी तरह से जानता है और इनको हर तरह से तन मन धन सब प्रकार से सहयोग किया जा रहा है। रहा इन्होंने कहा भामाशाह, यहाँ के भामाशाह पहले ही बहुत आगे रहते हैं हर काम में। अभी भी जो ऑक्सोइड जो मशीनें या वो इनकी जो भी व्यवस्था यहाँ कमी थी उनकी व्यवस्था उन भामाशाहों द्वारा की भी गई है। और मेरे हिसाब से यहाँ के भामाशाह किसी भी काम में पीछे नहीं है। आज जो भोजन है और मैं सब में आगे हैं और किसी चीज़ की यहाँ कभी भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। और प्रशासन के हमेशा साथ रहता है व्यापारी और पूर्णतया उनको सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ की मेडिकल सुविधाओं को देने वाले डॉक्टर ओम जी से।